सी आई ई -E टी एन सी ई -E आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा पाँच की पाठ्य पुस्तक हमारे आस पास का दसवा पाठ बोलती इमारतें पृष्ठ सतासी पहुँचे गोलकोंडा आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकोंडा के लिए दीदी इतिहास पढ़ती हैं और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मज़ा आता है सैलजा बोली अरे बाप रे कितना बड़ा दिखता है यह किला श्रीधर बोला और कितनी ऊंचाई पर है कल्याणी बोली अरे यह दरवाज़ा भी तो देखो कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट सैलजा बोली बहुत भारी भी लगता है पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते बंद करते होंगे इसे कल्याणी ने कहा गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं ये क्यों लगाए गए होंगे शैलजा ने कहा इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो श्रीधर कहने लगा कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी कल्याणी ने कहा यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है दीदी बोली यह बुर्ज है देखो बुर्ज दीवार से ज्यादा ऊंचे हैं इस किले की बाहरी दीवार में सतासी बुर्ज हैं मोटी दीवारें लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे पृष्ठ अठासी सोचो इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे बुर्ज में ये बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे सीधी सपाट दीवार से झांकने में और एक ऊंचे बुर्ज से झांकने में क्या अंतर होगा बुर्ज के पीछे खड़े होकर छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में क्या मदद मिलती होगी किले में कितना कुछ शैलजा बोली क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा यह कितना पुराना होगा कल्याणी बोली बाहर लिखा था कि सन 1518 सो से सोलह सो तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया दीदी बोली हाँ उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था सेलजा बोली अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा है श्रीधर बोला इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं और देखो किले के अंदर कई सारे महल भी हैं शैलजा ने कहा इसका मतलब तो यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी तो रहते होंगे कल्याणी ने कहा फिर यह तो पूरा शहर ही होता होगा नवासी, सुल्तान का महल श्रीधर बोला ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही शैलजा बोली उस जमाने में भी दो मंजिला इमारतें थीं। कल्याणी बोली अब तो यह टूटी फूटी हालत में है लेकिन अंदाज़ा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे श्रीधर बोला और यह देखो दीवारों पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है कल्याणी बोली एक छत पर हमने फव्वारे जैसा भी तो देखा था दीदी बोली हाँ इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फववारे थे जिनमें हर समय पानी चलता रहता था वाह उस जमाने की इंजीनियरिंग सोचो आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है यहाँ तो छत पर पानी के फवारे चलते थे तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थी सोचें कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं जैसे पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा तुम भी अनुमान लगाओ सोचो और चर्चा करो फव्वारे कैसे चलते होंगे हवा और रोशनी का क्या इंतज़ाम होगा सामने के चित्र में दीवार पर की गई नक्काशी को ध्यान से देखो इतनी सुंदर और बारीक नक्काशी करने में किन औज़ारों का इस्तेमाल होता होगा हमारे देश में आज भी कई जगह बिजली नहीं है पर जिन जगहों पर बिजली है अगर वहाँ एक हफ्ते तक बिजली ना आए तो कौन कौन से कामों के लिए बहुत मुश्किल होगी पृष्ठ नब्बे कहाँ है पूर्व पश्चिम तुम जिस जगह पर हो वहाँ पर सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ़ डूबता है पता करो कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से पूर्व दिशा में क्या क्या है तुम्हारे पश्चिम में क्या क्या है अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है पृष्ठ इक्यानवे यहाँ पर गोलकोंडा का एक नक्शा दिया गया है बताओ और लिखो गोलकोंडा के नक्शे को देखो चारों दिशाएं तीर के निशान से दिखाई गई हैं अगर तुम बोर्डली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज़ किस दिशा में है अगर कोई बंजारा दरवाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा हौज़ उसकी किस दिशा में होगा बाला हिसार से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुंच जाओ किले की बाहरी दीवार पर कितने दरवाज़े दिख रहे हैं गिनकर बताओ किले में कितने महल हैं पानी के लिए क्या क्या इंतज़ाम दिख रहे हैं जैसे बावड़ी कुएँ हौज़ नक्शे में एक सेंटीमीटर ज़मीन पर 110 मीटर की दूरी दिखाता है अब बताओ नक्शे में फ़तेह दरवाजे से बाला हिसार रिक्त स्थान सेंटीमीटर की दूरी पर है ज़मीन पर यह दूरी रिक्त स्थान मीटर होगी मकई दरवाज़े से फ़तेह दरवाज़ा कितनी दूर है पृष्ठ बयानवे ये हमले क्यों हम आपसे बात कर रहे हैं कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी तोप को देखने की उत्सुकता से हम सब भी तेज़ी से वहाँ पहुँचे शैलजा बोली यह तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की ही होगी दीदी बोली तोप का इस्तेमाल औरंगज़ेब ने किया था जानते हो औरंगज़ेब बादशाह की पूरी फ़ौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी पर वह किले में घुस भी नहीं पाई उसकी पूरी सेना आठ महीनों तक बाहर ही बैठी रही शैलजा बोली दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फ़ौज तोपों के साथ क्यों आई होगी दीदी ने कहा बादशाह हो या राजा सभी का यही खेल था अपना राज फैला सकें छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सकें और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सकें इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमला करके कल्याणी बोली इतनी तोपों और बंदूकों के साथ भी बात चाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई सैलजा ने कहा अरे इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है तो सेना अंदर कैसे आती श्रीधर बोला अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो भी यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नज़र आ जाता मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना कल्याणी बोली सोचो फ़ौज घोड़ों और हाथियों पर सवार हाथों में बंदूक के लिए आगे बढ़ रही है यहाँ सुल्तान के फ़ौजी बंदूकों के साथ तैनात हैं सेलजा बोली ओहो पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ के कितने ही सिपाही और लोग मारे गए होंगे हमले होते ही क्यों हैं पृष्ठ तिरानवे श्रीधर अरे तोप तो बहुत पुरानी बात हुई आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम हैं इससे तो एक ही बार में कितनी तबाही हो सकती है चर्चा करो क्या तुमने हाल ही में सुना है कि किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया हो पता करो कि यह हमला क्यों हुआ होगा किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए थे किस किस तरह का नुकसान हुआ पता करो श्रीधर ने कल किले में जो तोप देखी थी वह कांसे की बनी है तुमने कभी कांसे की कोई चीज़ देखी है बताओ क्या कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टिन कैसे निकालते पिघलाते होंगे फिर कैसे उनसे सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते होंगे तुम्हारे घर में या आसपास पास की कौन कौन सी चीज़ें थीं? या आज भी हैं रंग से पहचानने की कोशिश करो कि कौन सी चीज़ तांबे की पीतल की और कांसे की बनी है जब टेलीफोन नहीं था दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर ख़ुद फ़तेह दरवाज़े पर चली गईं। कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई होशियार मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ मुझे गाना बजाना और कुचीपूड़ी नृत्य बहुत पसंद है हमें बहुत हंसी आई लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक पहुंची कैसे बाद में उन्होंने बताया कि फ़तेह दरवाज़े पर खड़े होकर कुछ भी बोलें तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है पृष्ठ चौरानवे पानी का इंतज़ाम यहाँ एक चित्र बना है उस जमाने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है सोचो बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है अंदाज़ा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा उसके साथ लगा दांतेदार पहिया फिर किस दिशा में घूमेगा हाथ के इशारे से बताओ देखो दांतेदार पहिए से लगा डंडा ज़मीन के नीचे से जाकर किस पहिए से जुड़ा है बैलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी को ऊपर चढ़ाती है कैसे चढ़ाती है अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा आज भी हमें किले की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं इन्हीं के ज़रिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता होगा तुमने इस तरह एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल होते हुए और कहाँ देखा है जैसे साइकिल में गियर या और कहीं अपने आसपास देखो और पता करो कि आज ज़मीन के नीचे से पानी को ऊपर तक कैसे कैसे चढ़ाया जाता है बिजली से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है बिना बिजली के पानी को ऊपर कैसे चढ़ाएंगे पृष्ठ पिचानवे हाल किया बेहाल क्यों आवाज़ें निकालते और उनकी गूंज सुनते हुए सभी मेहराब के नीचे से गुजर रहे थे श्रीधर बोला पत्थर के नीचे इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है शैलजा बोली लिखा हुआ था कि यहाँ फौजी रहते थे श्रीधर बोला अरे यह देखो यह बोर्ड भी है उस पर लिखा है दीवार पर लिखना मना है फिर भी इस दीवार का यह हाल शैलजा बोली ओहो मैं तो सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम हाथी घोड़े और न जाने क्या क्या पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया है कल्याणी बोली पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिख लिख कर गंदा क्यों कर देते हैं आँखें बंद करके पहुँचो उस जमाने में मान लो कि तुम उसी समय में हो जब गोलकोंडा में पूरा का पूरा शहर बसा था अब इन सवालों के बारे में सोचो और अपनी क्लास में बताओ चाहो तो ग्रुप में नाटक भी कर सकते हो सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे हैं उनके कपड़े कैसे हैं उनके सामने कौन कौन से पकवान पेश हो रहे हैं लेकिन बेचारे हैं किन फ़िक्रों में और हाँ किस भाषा में बात कर रहे हैं पृष्ठ छियानवे उनके महल पर फववारे तो चल ही रहे होंगे ना? अंदर से महल आलिशान पर्दों और कालीनों के साथ कैसा लग रहा है और गुलाब चमेली के फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है किस किस चीज़ के कारखाने देख पा रहे हो कारखानों में कितने लोग काम कर रहे हैं उन लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं कितनी देर काम करते होंगे अरे वहाँ देखो वह कारीगर पत्थरों को छैनी और हथौड़ों से काट काट कर कितनी सुंदर नक्काशी कर रहा है क्या पत्थरों की धूल से कारीगर को कोई दिक्कत हो रही है म्यूज़ियम पहुँचे गोलकोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूज़ियम में भी गए म्यूज़ियम यानी संग्रहालय म्यूज़ियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती हैं इस म्यूज़ियम में गोलकोंडा किले के, के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीज़ें भी थीं, जैसे बर्तन औजार जेवर हथियार वगैरह सैलजा बोली अरे ये बर्तनों के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे की अलमारी में क्यों रखे हुए हैं वह देखो वह छोटी सी प्लेट तो कांसे की है वह नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का सा लगता है दीदी बोली इन्हीं सब चीज़ों से तो पता चलता है कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या बनाते थे सोचो अगर यह सब संभाल कर नहीं रखा होता तो क्या तुम आज उस जमाने के बारे में इतना कुछ जान पाते पृष्ठ सतानवे लिखो तुमने आसपास किस किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होते देखा है अपने दादा दादी से पता करो कि उनके समय में और किस किस तरह के बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते थे क्या तुम भी कभी किसी म्यूज़ियम में गए हो या उसके बारे में सुना है वहाँ क्या क्या होता है इमारत का सर्वे लिखो क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी पुरानी इमारत है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं यदि है तो कौन सी क्या तुम कभी कोई ऐसी ही पुरानी इमारत देखने कहीं दूर गए हो कौन सी वह तुम्हें क्या कुछ बोलती सी लगी क्या जान पाए उस समय के बारे में जब वह इमारत बनी थी वह कितनी पुरानी है तुम्हें कैसे पता लगा वह किस चीज़ से बनी है किस रंग की है क्या उसमें कुछ ख़ास तरह के डिज़ाइन बने हैं अगर बने हैं तो तुम भी बनाओ उसमें कौन लोग रहते होंगे वहाँ क्या क्या काम होता होगा क्या अभी भी उसमें लोग रहते हैं पृष्ठ अठानवे तुम भी अपना म्यूज़ियम बनाओ रजनी केरल के मल्लापुरम ज़िले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने और आसपास के बहुत से घरों से पुरानी चीज़ें जमा कीं, जैसे पुरानी छड़ियाँ छतरियाँ लकड़ी की खड़ाऊँ यानी चप्पल बर्तन वगैरह उन्होंने आजकल ये सब चीज़ें जैसी होती हैं वह भी देखा फिर बच्चों ने और रजनी ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई जिसे आसपास के लोग भी देखने आए तुम भी यह कर सकते हो यहाँ एक चित्र बना है जो लगभग 500 साल पुरानी पेंटिंग है जिसमें दिखाया गया है कि आगरे का किला किस तरह बनाया जा रहा है चित्र में लोग किस किस तरह के काम करते नजर आ रहे हैं कितनी औरतें और कितने मर्द काम कर रहे हैं देखो यह भारी खम्भा ढलान पर कैसे ऊपर ले जा रहे हैं भारी चीज़ ढलान पर चढ़ानी आसान होती है या सीधी ऊपर ले जानी क्या मशक में भरकर पानी ले जाता हुआ आदमी देख पाए हम क्या समझे संगीता को लगता है कि म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें संभाल कर रखना बेकार है तुम उसे कैसे समझाओगे कि म्यूज़ियम होना कितना ज़रूरी है तुम्हें क्या लगता है इस पाठ का नाम बोलती इमारतें क्यों रखा गया बोलती इमारतें अभी आप सुन रहे थे कक्षा पाँच की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का दसवां पाठ प्रस्तुति सी आई ई टी -E एन सी ई आर -E टी नई दिल्ली भारत